नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। बलिया में जिलाधिकारी बलिया भवानी सिंह खंगरौता के साथ भाजपा नेता विनोद तिवारी द्वारा डीएम आवास के चैंबर में अभद्रता करने और तहसीलदार सदर गुलाब चंद्र के साथ हाथापाई और गाली गलौज की घटना का मामला सामने आया है। आरोपी भाजपा नेता को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं डीएम द्वारा दिए गए बयान के अनुसार चुनावी आचार संहिता का पालन कराने और मतदाता को डराने धमकाने वाले लोगों पर शिकंजा कसने की कार्रवाई के लिए तहत रसला क्षेत्र के भाजपा नेता विनोद तिवारी, जिनके ऊपर एक दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे हैं, समझाने के लिए आवास में बुलाया गया था, क्योंकि इनके खिलाफ मतदाता को धमकाने आदि की शिकायतें आ रही थी। जब इनको इस संबंध में समझाना शुरू किया तो ये नेतागिरी की अकड़ में मेरे साथ अभद्रता करने लगे, वहीं तहसीलदार सदर के साथ गाली गलौज और हाथापाई करने लगे, जिसके बाद कोतवाली पुलिस को बुलाकर गिरफ्तार कराकर जेल भेज दिया गया। जब डीएम बलिया से पूछा गया कि विनोद तिवारी का आरोप है कि उनके चैंबर में बैठने भी नहीं दिया गया, तो डीएम बलिया ने कहा कि आरोपी को बैठने नहीं दिया गया, कहा कि यह पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति के नेता हैं। यह भी कहा कि आप लोग बलिया के नेताओं के संबंध में भली भांति परिचित हैं। वहीं विनोद तिवारी के भाई ने आरोप लगाया है कि उन्हें बुलाया गया, पुलिस द्वारा जबरन उन्हें गिरफ्तार कराया गया और डीएम द्वारा उन्हें मारा भी गया। आप देख रहे हैं बलिया से अखिलेश सैनी की रिपोर्ट। डीएम साहब के पेशकार साहब बलिया, डीएम साहब के पेशकार साहब मेरे भाई बड़े भाई विनोद तिवारी को बुलाए फोन करके और नेताजी के साथ कुछ दिन पहले आए थे और कुछ नेताओं के बारे में लोकप्रिय चर्चा करते रहे और नेताजी भी कहे कि आपका पेशकार भी रुपया लेता है। हाँ, उसके बाद में नेताजी फिर एक हफ्ते बाद आए, फिर दोबारा मिले लोग, उसके बाद में नेता विनोद तिवारी को बुला कर बैठाए और कहे कि आप उठिए, आप अपराधी किस्म के आदमी हैं, उसी पसंद किए, हमको अपराधी नहीं है, मेरे को पोलिटिकल 10-12 मुकदमा हो, 4-5 है, मैं अपराधी थोड़े हूँ। इस पर डीएम साहब कहे कि हम जो जफल मारेंगे, इसी पर बवाल बवाल हुआ और मार कर खदेड़ के बाहर बैठा दिए, पुलिस को बुलवा कर पकड़वा दिए। किसने मारा है? किसने मारा? डीएम साहब अपने फुर्त से बुलवा कर मरवाए और बंद करवाए और कोतवाल साहब को बुलवा कर कोतवाली भिजवाए। आपके कौन लगते थे जो जेल गए हैं? क्या हमारे बड़े भाई हैं विनोद तिवारी। किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी। देखिए, श्री विनोद तिवारी हैं और उनके खिलाफ करीब 12 मुकदमे हैं। हम लोगों को निरंतर शिकायत प्राप्त हो रही थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी आदर्श आचार संहिता चल रही है और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि किस गाँव में कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, तो उसी में हम लोग अपने गोपनीय चैनल से जानकारी करा रहे हैं, छानबीन करा रहे हैं। तो एक ही गाँव के पूर्व प्रधान, इनकी पत्नी प्रधान रही हैं, तो इनके नाम बार बार सामने आ रहा था, संबंधित थाने से इनके विषय में इनका आपराधिक विवरण मंगाया गया, तो थाने से रिपोर्ट आई, लगभग 12 मुकदमे हैं उनके खिलाफ है, 12 या 14 मुकदमे। और प्रधान के कार्यकाल के दौरान के भी कुछ प्रसंग हैं जो अभी निस्तारित हैं, कुछ वित्तीय अनियमितता के प्रकरण थे जिनमें अभी तक वसूली कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो ये सब शिकायत मिल रही थी। तो आज ये आए, जब इनको पता लगा कि इस तरह से हम लोग छानबीन कर रहे हैं, तो ये लोग आए और अपना कोशिश करने लगे कि हम लोगों को किसी तरह से ये अपने पक्ष में कर लें कि सब इन्होंने ये बहुत ही पॉलिटिकल आदमी है और इनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। और इसी क्रम में ये भावावेश की स्थिति में आ गए और भावावेश के बाद जो है उठपटांग बातें करने लगे, अभद्रता करने लगे, तो ऐसी स्थिति में तत्काल संबंधित थाने को कोतवाल को सूचित किया गया और उनको 151 में चालान किया गया। सर, क्या मैंने क्या कोशिश की है अभद्रता की है? किसके साथ सर? मेरे साथ भी की है, तहसीलदार साहब के साथ भी की है, उनके साथ तो हाथापाई करने की कोशिश भी की है। जी सर, उनका सीधे तौर पर इस तरह का दुर्व्यवहार करना क्या सही है? इस तरह का वो दबंग व्यक्ति है, वो जाते जाते भी उसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को ये देंगे, जाते जाते भी वो कह करके गए हैं कि हम तो 2 महीने जेल में, पॉलिटिकल आदमी है और आप बलिया के नेताओं को जानते नहीं हैं, ऐसा बताना है। सर, वो उनका सीधे तौर पर कहा था कि डीएम साहब उनको फ़ोन करके, उनके कार्यालय से फ़ोन आया था, फ़ोन करके वो बुलाए थे, फिर मैंने सर को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि 4 बजे करीब में आवास पा जाएगी। जब मैं डीएम साहब के आवास पर गया, उनके चैम्बर में गया, तो मैं बैठने की कोशिश किया तो डीएम साहब ने कहा कि नहीं, बैठना नहीं है आपको, खड़े रहिए, और हमारे से डीएम साहब ने बदसलूकी किया था। ये भी कैसे, ये बात तो उनकी सही है कि मैंने उनको बैठने नहीं दिया गया, क्योंकि आज वो अपराधी के रूप में यहाँ आए थे, उनके खिलाफ 12 मुकदमे हैं। मैं यही उनको समझा रहा था, मेरा पर्पज ये था कि वो अभी वर्तमान में, क्योंकि आदर्श आचार संहिता चल रही है, तो इस बीच अपने कारनामे बंद कर दें, परंतु वो उससे और ज़्यादा भावावेश की स्थिति में आ गए और उसके बाद जो उन्होंने अभद्रता की।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।